हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आवर अभिषेक में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन वन है, प्रश्नावली 5.3 और निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। जो एपी है हमारा क्वेश्चन वन का 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें 4 क्वेश्चन है, तो चलते हैं भाई ये पहला क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है, पहले दिया है हमारा ए बराबर, ठीक है। ए बराबर प्रथम पद 2 और डी बराबर क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, बहुत हमारा डी निकल गया 5। और एन हमें क्या दिया हुआ है, एन हमारा 10 पद है, ठीक है। और एस टेन निकाला हुआ ना 10 पदों का योग, तो एस टेन हो गया। तो और चूँकि एस टेन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये जो होता है, अब इसमें हम इसमें मान जो है उसे पुट करते हैं, तो एस एन हो गया, ठीक है। एस एन होगा तब एस टेन होगा ना, एस एन हो गया। अब एस टेन एन का मान 10 हो गया, एस टेन बराबर होगा 10/2, ठीक है। और ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा 2 है प्लस एन है 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा, डी है हमारा 5 इंटू 5, ठीक है। और चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। बराबर ये हो जाएगा कट के 5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4 प्लस ये 9 इंटू 5 बराबर 5 एफ, और ये हो जाएगा हमारा 45 अब प्लस 4 प्लस 45, ठीक है। बराबर हो जाएगा 5 × 49 बराबर ये हो जाएगा हमारा 245, ठीक है। तो अतः 10 पदों का योग क्या होगा, एस टेन बराबर 245, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन 2 है, -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है हमारा, दिया है ए बराबर हमारा क्या है -33 प्रथम पद, डी बराबर क्या होगा -33 - -37 दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा -33 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा बराबर डी बराबर 4 हो जाएगा। और एन बराबर हमारा क्या होगा, एन बराबर 12 हो गया। और एस तो हमें निकालना क्या है, तो एस ट्वेल्व निकालना है, ठीक है। तो एस ट्वेल्व रावर वाट, तो अब एस एन रावर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। एन क्या है, एन हमारा 12 है और एस 12 निकालना है ना, तो एन 2 हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा 2 इंटू -37 प्लस एन है 12 माइनस 1 इंटू डी है 4 बराबर ये हो जाएगा 6 इंटू ब्रैकेट शुरू, और ये हो जाएगा 37 दुनी हो जाएगा 74, ठीक है। और प्लस ये 11 इंटू 4 हो जाएगा, और 6 इंटू -74 और प्लस 44, और ये हो जाएगा 6 इंटू -30, ठीक है। -30 हो जाएगा ना करके -180, तो अतः S12 बराबर -180, ये हमारा आंसर हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है, 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो 100 पदों का हमें निकालना है, तो हमें दिया है ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6 दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा 1.1। और एन बराबर क्या है, 100 पद 100 और एस 100, ठीक है। तो एस 100 बराबर वाट, एस 100 निकालना है, तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब ये हो तो हो गया,
अब एस 100 बराबर एन क्या है, 100/2 इंटू 2 इंटू ये क्या है 0.6, प्लस एन क्या है हमारा, एन है 100 माइनस 1, ठीक है, आई इंटू डी है 1.1। और अब ये कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50 आई इंटू 1, ये गुना करके 1.2 हो जाएगा, प्लस आई ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है, बराबर 50 इंटू 1.1, 1 इंटू 1.2, प्लस ये गुना करके 108.9 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर 50 इंटू ये जुट के हो जाएगा हमारा 110.1, ठीक है, और बराबर ये गुण अब इसमें गुना करने पे हमारा हो जाएगा 5505 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा एस 100 बराबर हो जाएगा 5505, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है 1/15, 1/12 और 1/10 और कोमा डॉट 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 11 पदों तक का हमें योग निकालना है। तो हमें ये हमारा दिया है ए बराबर है 1/15, डी बराबर हो जाएगा 1/12 दूसरा पद माइनस पहला पद 1/15, एलसीएम हो जाएगा ये 60, तब 12 × 5 = 60, 15 × 60 ये हो जाएगा 1/60, डी बराबर 1/60 निकल गया, और एन बराबर है 11, तो एस 11/8, ठीक है, तो एस 11/8, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी आई इंटू, तो टू एन बाई टू क्या है, एन बाई टू है हमारा 11/2 आई इंटू 2 इंटू ए है 1/15 एन बाई 15 और प्लस एन है 11 माइनस 1 आई इंटू डी है 1/60, ब्रैकेट बंद, बराबर 11/2 और ये हो जाएगा 2 से गुना करके 2/15, ठीक है, और प्लस ये 10 से 10 इंटू 1/60 ये कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 11, ठीक है, 11/2 और ये बराबर ने 2/15 और प्लस 1/6, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 11/2, तो 30 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 5 और ये हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट थ्रू, तो ये हो जाएगा 9/30, तो बराबर 11/2 इंटू 9/30 और ये यहाँ पे 9 3 बार में कट जाएगा और ये 10 से कट जाएगा, ऐसे गुना करके हो जाएगा 33 और ये बटा 20, ये 33/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो एस 11 बराबर हमारा हो जाएगा 33/20 अतः, और ये हमारा चारों क्वेश्चन पूरा हो गया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।